300 साल बाद सिखां दे अजीम शान विरसे दा इह अलौकिक महान अते पावन उत्सव सिख धर्म अते विलखण सिख सभ्याचार दीआं उन्हां लासानी परंपरावां अते बेमिसाल कुरबानियां दा शाहिद है जो सिखां दी उत्पत्ति खालसे दी सिरजना उपरंत शब्द गुरु दी स्थापती तक दी लमेरी दास्तान दी मुकम्मल तवारीख नूं अज हू बहू नजरां सामे उजागर कर रहा है। आओ साध संगत जी, आपां भी इस अदुत्ती इतिहासक जलाओ दे प्रतख दर्शी बन के रब्बी नूर दी इस बेरोक बारिश नाल सरशार होइए। इलाही शब्द दा प्रकाश पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी दी पवित्र आमद नाल अजिहे अंधकार च होया जदों ये दुनियावी समाज कूड़ अते हौमे तो उपजे विकारां दी तपश नाल त्राही त्राही कर रहा सी। कल काती राजे कसाई धर्म पंख कर उड रहा, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दीसै नाही कह चढ़िया। अधर्म दी इस घोर धुंद दे निवारण लई इलाही प्रकाश दी जरूरत इस सृष्टि दी पहली ते आखरी चाहत बन गई सी ते फेर साहिब मेहरबान होया। श्री गुरु नानक देव जी दे इलाही तप तेज ने सड़े आंद मारे कूड़ अते अंध विश्वासां दीआं चिरां तो स्थापित रूढ़ियां नूं तुरकी बाणी दे चिराग दी रोशनाई नाल नेस तो नाबूद कर दिता अते सारी लोकाई नूं सच दा मार्ग विखा दिता। हिंदुस्तान विच कूड़ कुसत दे निजाम नूं खत्म करके वहमां भरमां दे सुपनमई संसार विच भटके भारत वासियां नूं नानक ने हलूण के जगा दिता। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। श्री गुरु नानक देव जी दे आगमन दे नाल ही इलाही शब्द दे प्रकाश दी शुरुआत हो गई। आपने 947 शब्द 17 रागां विच उचार के सिख धर्म अते सभ्याचार दी प्रकाशमान इमारत दा पहला जुगो जुग अटल स्तंभ तामीर कर दिता। 24 सालां दे लंमे अरसे विच चार उदासियां नाल हिंदुस्तान दे दूर दराज इलाकियां विच वसदी लुकाई दे तपदे हिरदियां नूं रब्बी बाणी दे उचारण नाल ठंडा ठार कर दिता। मनुख मात्र नूं वहमां भरमां विचों कढ के नाम सिमरन, नेक किरत करन, वंड छकन, ग्रहस्थ धारण करन, सेवा करन ते सरबत दा भला मंगण दा पावन उपदेश दे के श्री गुरु नानक देव जी ने 7 सितंबर ईस्वी सन 1539 नूं करतारपुर पाकिस्तान विखे इस फानी संसार नूं अलविदा आख दित्ती। गुरु अमरदास जी नूं गुरु अंगद देव जी ने 29 मार्च 1552 ईस्वी नूं गुरियाई बख्शी जो आपने 11 सालां दी गुरसेवा अते गुर भगती उपरंत हासिल कीती। गुरु अमरदास जी दे हिरदे विच गुरु अंगद देव जी प्रति श्रद्धा अते सत्कार दा इह आलम सी कि आपने गुरु अंगद देव जी वल कदे पिठ नहीं सी कीती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज सत्ते बलवंड द्वारा रचित रामकली दी वार विच आप दी उपमा इस तरह कीती गई है। धन धन रामदास गुरु जिने सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजन हारै धारिया, सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया, नानक तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया, गुर डिठा ता मन साधारिया। मुसलमान कट्टड़ पंथियां नूं श्री गुरु अर्जन देव जी दी होंद अपने धर्म लई खतरा जापन लगी। सरहंद दे उलेमा नौकशबंदियां ते मुलाणियां ने समकालीन मुगल सम्राट नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर नूं सिख धर्म दी चढ़त विरुद्ध भड़का दिता ते ओह कामयाब हो गए। जहांगीर नूं नानक द्वारा चलाया गया सच्चा धर्म झूठ दी दुकान नजर आया। उस दी सोच उपर धार्मिक कट्टड़ता, तंग दिली अते अग्ञानता दा पर्दा पै गया। एक नाकस शाही फरमान तहत राज धरोह दा बेहूदा इल्जाम ला के पंचम पातशाह नूं गिरफ्तार कर लिया गया अते यासा अनुसार बेबहा तसीहे दे के लाहौर विखे रावी दे कंडे तत्ती तवी ते बिठा के
सिर विच तपदी रेत पवा के 30 मई 1606 ईस्वी नूं शहीद कर दिता गया। पंचम पातशाह ने अपनी शहादत नाल अपने गुरु पिता दे ए शब्द सच कर विखाए, जे सुख देहता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख देह ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। एक पिता देश कौम दी आबरू दी रखवाली लई सरबंस वार के अकाल पुरख दे शुकराने विच लीन सी। खालसे दी तवरीख हुण दुनिया दियां समस्त कौमां दे निगूणे इतिहास सामे सूरज वांगू सदीवी रोशनी देण दे समर्थ हो गई सी। ते ए अज वी सब तो नायाब ते बेमिसाल है ते हमेशा इउं ही रहेगी। गुरु साहिबान दी पवित्र छोह नाल पावन ते महान होया सिख इतिहास अते धर्म अपनी मंजिल तो बस हुण कुछ कोहां ही दूर सी। दीना कांगड़ तो औरंगजेब आलमगीर नूं लिखिया पातशाह दा खत जफरनामा भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह लैके दखण रवाना हो चुके सन। खिदराणे दी ढाब ते मुगलिया फौज नाल जंग लड़न उपरंत महा सिंह दा बेदावा पाड़ के ते इस स्थान नूं मुक्तसर दा पवित्र खिताब दे के कलगीधर पातशाह तलवंडी साबो आण बिराजे। इस अस्थान ते सच्चे पातशाह 9 महीने दे करीब बिराजे। उच्चे दमदमे उपर विराज के हर रोज गुरु गोबिंद सिंह जी संगतां नूं दीदार दिया करदे सन, जिस कारण अज ये पावन स्थान दमदमा साहिब करके प्रसिद्ध है। इत्थे रहिंदिआं सतगुरु ने असली प्रथम बीड़ तीर मल्लियां तो मंगवाउण लई अमृतसर सिंह भेजे, पर ईरखा विच गलतान ते आदि ग्रंथ नूं कमाई दा साधन समझण वाले तीर मल्लियां ने यह बीड़ सिंघां नूं देण तो साफ इनकार कर दिता। नतीजे वजों 10वें पातशाह ने दमदमा साहब विखे अंतर ध्यान हो के आदि ग्रंथ साहब की रचना कराई ते भाई मनी सिंह ने लिखारी का फर्ज अदा किया। इस नवे रचे गए ग्रंथ विच पहलां वाले आदि ग्रंथ की इन बिन बाणी है, पर गुरु साहब ने इस ग्रंथ विच श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी दे भी 116 शब्द अते श्लोक दर्ज किए हैं। दीना कांगड़ तो औरंगजेब आलमगीर नूं लिखे खत जफरनामा का जवाब पाउण उपरंत 10वें पातशाह ने बादशाह की चाहत मुताबिक उस नूं मिलण का फैसला करके दखण वल कूच कर दिता, पर बगौर राजस्थान पहुँचदिया ही आप नूं औरंगजेब के इंतकाल की खबर मिल गई। औरंगजेब की मौत नाल भारत की सियासत का पासा ही पलट गया। हुण दखण जाण की जरूरत ना रही, क्योंकि हुण नवां बादशाह बहादुर शाह दिल्ली विच सी ते आपने दिल्ली वल कूच कर दिता। दिल्ली विच बादशाह ने गुरु साहब दा शहाना ढंग नाल इस्तकबाल कीता अते आप नूं बेशकीमती नजराने भेंट कीते। बादशाह बहादुर शाह दी दिली इच्छा ते गुरु साहब कुछ समा उस दे नाल रहे। जिथे किते पड़ा हुंदा गुरु साहब इलाही संवाद नाल आईयां संगतां नूं निहाल करदे। बादशाह बहादुर शाह सन 1708 ईस्वी जुलाई महीने दे दूजे हफ्ते मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के प्रसिद्ध शहर बुरहानपुर पहुंचया। बादशाह तो छेती अगे चला गया, क्योंकि उसके छोटे भरा काम बख्श की बगावत का जोर सी, पर गुरु गोबिंद सिंह जी कुछ समा होर बुरहानपुर टिके रहे अते धर्म प्रचार करते रहे। इस तरह मध्य प्रदेश विच बालापुर, पातुर, मलिकपुर, हिंगोली ते मंदसौर, अमरावती होंदे हुए आखिरकार ईस्वी सन 1708 दे अगस्त महीने के आखिर जां सितंबर महीने के आरंभ में 10वें पातशाह इस पावन स्थान नंदेड़ महाराष्ट्र पधारे। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच रागां की कुल गिणती 31 है। पहला राग श्री राग ते अंतला जय जवंती है। ध्वनियां 9 हन जो वारां उत्ते दर्ज हन अते वार नूं उसे धुनी विच गाउण दा हुक्म है। गुरता गद्दी दे ए 300 साला समागम शब्द गुरु वल्लों दरसाई जीवन जाच अपनाउण दा प्रण है, ते इस प्रण नूं पूरा करन दी लालसा अज तख्त सचखंड श्री हजूर साहब नदेड़ विखे हर थावें नज़र आ रही है। पाई प्राप्त मनुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। क्योंकि परमेसर ते भुलिया
व्यापन सबै रोग ते नाम तन जिस जन कै पल्लै सोई सूरा साहा। पर मनुख पदार्थक लोभ विच ग्रस्त होके दात प्यारी विसरिया दातारा वाली स्थिति विच दुख भोग रहा है ते जिन्नी सच पछाणिया से सुखिए जुग चार हौ मैं तृष्णा मार कै सच रखिया उरधार। आओ साध संगत जी गुरता गद्दी दे 300 साला इस पवित्रतम दिवस दे मौके शब्द गुरु नाल जुड़दे आ ना देड़ विखे दसवें पातशाह दी पावन छो नाल वरुसाई इस नगरी विच स्थित गुरधामा दे दर्शन दीदार करिए। ए है गुरुद्वारा संगत साहिब जो नादेड़ शहर दे ब्रह्मपुरी मोहल्ले विच स्थित है। स्थानक परंपरा मुताबक जद गुरु गोबिंद सिंह जी नादेड़ पहुंचे सन तां सब तो पहला ठहरा आपने इत्थे ही कीता। बाद विच सिख संगतां दी आमद उपरंत आपने डेरा सचखंड श्री हजूर साहब वाले स्थान ते जा कीता। गुरुद्वारा साहब दी ए शानदार इमारत आप दी याद निशानी वजों स्थापित है। ए ओ पवित्र ढाल है जिसनू भर भर के कलगीधर पातशाह ने खालसे नू तनखाहां वंडियां सन। इस अस्थान ते सब तो पहला महाराजा फरीदकोट ने गुरद्वारा बनवाया ते पिछों बाबा हरी सिंह जी ने इस दी सेवा संभाल कीती। तख्त श्री हजूर साहब तो लगभग 6 मील दे फासले ते गोदावरी नदी दे कंडे ते यह है पावन गुरधाम शिकार घाट। रवायत अनुसार नादेड़ विखे कयाम दे दौरान हजूर इत्थे शिकार खेडन आया करदे सन। महाराजा रणजीत सिंह ने तख्त श्री हजूर साहब की उसारी दे नाल ही इत्थे गुरद्वारा बनवा दिता सी। जिन्हां सिंघां नूं शेरे पंजाब ने इत्थे गुरद्वारा बनाउण लई भेजिया सी ओह सिंघ इत्थे ही वस गए सन। इन्हां विचों इक सी हीरा सिंघ जिसका वंश हुण भी चल रहा है। यह है नदेड़ साहब विखे स्थित गुरद्वारा हीरा घाट। बादशाह बहादुर शाह ने दसवें पातशाह नाल इसे अस्थान ते मुलाकात कीती सी। गुरु साहब दे दीदार करन उपरंत बादशाह ने साहिब नू एक कीमती हीरा भेंट कीता। उसे याद नू ताज़ा करन लई इस गुरधाम दा नाम गुरद्वारा हीरा घाट साहिब है। रवायत मुताबक दसवें पातशाह ने बादशाह दी होमे निविरत करन लई उस नू गोदावरी चों अनेकां हीरे विखा दित्ते सन। यह है तख्त सचखंड श्री हजूर साहब। इत्थे आप ईसवी सन 1708 दे अगस्त महीने दे आखिर जां सितंबर महीने दे मुढ़ले दिनां विच पधारे। गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी देण उपरंत इसे अस्थान ते ही आप ज्योति जोत समाए। हुण खालसा गुरु ते गुरु खालसा हो गया सी। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हौ करो निवास। श्री गुरु ग्रंथ साहब हुण सिखां दे इलाही रहनुमा ते शाख सात गुरु हो गए सन। गुरु हुण पंथ अते ग्रंथ विच आत्मिक अते शरीरक रूप विच समा गया सी। सिख धर्म दे मूल सिद्धांत तत् विचार सब जाहिर हो गए सन। पानी संसार नूं अलविदा कहण तो पहला दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह भी दृढ़ा दिता सी, जो हमको परमेसर उचर है ते सब नरक कुंड मह पर है, मैं हो परम पुरख को दासा, देखना आयो जगत तमाशा।